फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बात करेंगे नोटेशन ऑफ डीएफए के। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डीएफए का एक फॉर्मल डेफिनेशन प्लस उसके साथ एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ बात करेंगे जो डीएफए बनेगा उसको हम कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी डीएफए बनेगा उसको हम दो तरीके से उसका उसको शो कर सकते हैं। एक तो ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में, मीन्स कुछ ग्राफिकल डायग्राम होंगे जिसके फॉर्म में हम डीएफए को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होगा होता है आपका ट्रांजिशन टेबल, कुछ रो और कॉलम में टेबल होंगे, उस फॉर्म में भी हम क्या करते हैं डीएफए मशीन को शो कर सकते हैं। अब एग्जांपल के साथ हम समझते हैं प्लस उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम डायग्राम में नोटेशन यूज करते हैं, स्टार्ट सिंबल, फाइनल स्टेट या ट्रांजिशन कैसे हम करते हैं, और यहाँ भी हम ट्रांजिशन टेबल में भी हम सेम देखेंगे कैसे डिजाइन हो रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज आपका जो डीएफए मशीन है वहां पे सेट अप स्टेट Q0, Q1, Q2 है, ये आपका सेटअप स्टेट है। इनपुट सिंबल सिग्मा 0 और 1 है। ट्रांजिशन मैपिंग यहाँ पे डेल्टा जो दे रखा है, ये ट्रांजिशन मैपिंग 6 ट्रांजिशन मैपिंग दिया गया है क्योंकि 6 ही होंगे, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 स्टेट है, 2 इनपुट, तो 3 × 2 कितने नंबर आप ट्रांजिशन बनेंगे, 6 ट्रांजिशन बनेंगे, 6 ट्रांजिशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो इन स्टेट में Q0 होगा, जो यहाँ पे इसी में से जो सेट ऑफ स्टेट है इसी में से Q0 कोई एक स्टेट होगा जिसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट, और Q2 क्या है यहाँ पे, Q2 इसी में से कोई एक स्टेट होगा या सेट ऑफ स्टेट हो सकता है जिसको हम कहेंगे फाइनल स्टेट। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ट्रांजिशन डायग्राम में, अगर हम देखें 3 स्टेट है मतलब आपका 3 स्टेट पहले हम बना लेंगे, 3 स्टेट हम पहले बना लेंगे Q0, Q1 एंड Q2 मैंने ले लिया। ये सर्किल आपका डोनेट करता है, ये जो नोड है ये ग्राफिकल फॉर्म में नोड है, यही रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। कितने स्टेट हैं, 3 स्टेट है यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट सिंबल कौन कौन यूज करेगा, 0 1, ठीक है, इनपुट सिंबल हम 0 यूज करेंगे। स्टार्ट सिंबल कौन सा है, Q0, Q0 स्टार्ट सिंबल है, जो भी स्टार्ट सिंबल होगा उसको हम एरो से इंडिकेट करेंगे, और ये एरो किसी अदर स्टेट से नहीं आना चाहिए, वो वैसे ही आना चाहिए, मीन्स वहां पे इसके पहले कोई स्टेट नहीं होगा जहां से Q0 के पास एरो आ रहा होगा, तो एक क्या कहा जाएगा इनिशियल स्टेट। दूसरा क्या है आपका फाइनल स्टेट, Q2 फाइनल स्टेट है, जिसको भी हम फाइनल स्टेट बनाते हैं उसको डबल सर्किल से कर देते हैं जैसे कि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए। अब यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 3 नंबर आप स्टेट है, Q0 इनिशियल स्टेट है और Q2 क्या है फाइनल स्टेट है। अब हम ट्रांजिशन पे आते हैं, ट्रांजिशन दे रखा है, ट्रांजिशन कैसे दे रखा है, ट्रांजिशन हमेशा डीएफए का किस फॉर्म में होगा, Q × σ, मीन्स यहाँ पे कितने सिंबल है 3 और यहाँ पे कितने हैं 2, Q0, Q1, Q2 3 है यहाँ पे, 0 1 2 है, तो टोटल कितने आ जाएंगे 6, 6 ट्रांजिशन यहाँ पे बनेंगे। 6 ट्रांजिशन कौन कौन से बनेंगे, Q0 टू 0, Q0 से 0, यहाँ पे Q0 से 0 हम क्या जा रहे हैं Q1, मीन्स Q0 से अगर हम 1 इनपुट मिलता है तो वहां हम कहाँ जाएंगे Q0 से अगर 0 मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे Q1 पे, Q0 से 1 पे हम कहाँ जाएंगे Q0 पे ही, मतलब यहाँ पे हो गया सेल्फ लो 1। अब Q1 से 0, अगर हम Q1 से 0 जाते हैं तो इसी पे आ जाएगा सेल्फ लो, एंड Q1 से अगर 1 लेते हैं तो कहां पहुंचेगा Q2 पे, एंड Q2 से अगर हम 1 लें, Q2 से 1 और Q2 से 0 दोनों कहां पहुंच रहे हैं Q2 पे ही, मतलब यहां पे हम 0 और 1 दोनों एक साथ ले लेंगे, तो यहां पे सारे ट्रांजिशन मैप हो गए हैं। अब यहां पे जो हम कहेंगे इसको कहेंगे इनिशियल स्टेट, ये होगा आपका फाइनल स्टेट। जो ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन कौन कौन से हुआ, एक तो 1 का 0 का हुआ, 6 ट्रांजिशन होंगे टोटल ओवरऑल, तो इसी को हम ये जो फॉर्म है इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डीएफए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेबल की, ट्रांजिशन टेबल हम कैसे ड्रा करेंगे। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए मुझे रो और कॉलम का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, तो जो आपका रो कॉलम होगा हमेशा जो रो डिपेंड करेगा वो होगा, रो आपका हमेशा होगा स्टेट Q0, Q1 और Q2, कितने नंबर आप स्टेट हैं
तीन नंबर आपके स्टेट है तो आपका रो हो जाएगा। इनपुट जो आपका इनपुट सिंबल डिनोट करेगा वो कॉलम को होगा, तो इनपुट सिंबल कौन कौन से है, जीरो और वन, इसको हम ले लिए कॉलम पे। अब ट्रांजिशन फंक्शन देते, अब इसको आगे डिफिनेशन देखते हैं क्या रखा है। क्यू जीरो आपका क्या है, इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल है उस पर हम एरो लगा देंगे। क्यू टू क्या है आपका, फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट मोर देन वन हो सकता है, यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट दिया गया क्यू टू, क्यू टू फाइनल, इसको हम क्या कर दिए यहाँ पे सर्किल कर दिए। अब ट्रांजिशन देखेंगे क्यू जीरो से जीरो, क्यू जीरो से अगर जीरो पे जा रहे हैं तो हम कहां पहुंच रहे हैं, क्यू वन पे। क्यू जीरो से वन, क्यू जीरो से अगर वन पे जा रहे हैं तो हम कहां पहुंच रहे हैं, क्यू जीरो पे। क्यू वन से जीरो, क्यू वन स्टेट से जीरो अगर हम जाए तो पहुंचेंगे क्यू वन पे। क्यू वन से अगर वन जाएंगे तो पहुंचेंगे क्यू टू पे। क्यू टू से जीरो जाएंगे तो क्यू टू पे। क्यू टू से वन जाएंगे तो क्यू टू पे। ये आपका क्या बन गया, यही आपका बन गया ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल जो नोटेशन था दो तरीके से होता है, किसी भी डीएफए को अगर हम इस फॉर्म में भी देते हैं तो यहां से भी आप समझ सकते हैं डीएफए मशीन क्या है, अगर डायग्राम देते हैं डायग्राम से भी समझ सकते हैं ट्रांजिशन मशीन क्या काम कर रहा है, प्लस अगर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो भी समझ सकते हैं कि डीएफए मशीन क्या कैसे काम करेगी और क्या उसका एक्सेप्टेंस होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कर लिए। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन।